Hello everyone, this is Shailesh and welcome back to our channel called Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos. So without wasting any time, let's start our video. So आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन डिटेक्ट अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS और DFS एल्गोरिथम. और जो हम लोग पिछले बार वीडियो में बात किए थे DFS और BFS से हम डायरेक्टेड किए थे, बट हम मैंने सिर्फ DFS बताया था आई थिंक, क्योंकि BFS में एक लगेगा टोपोलॉजिकल शॉर्ट. जब वो हो जाएगा तो मैं बना दूंगा उसका ये वीडियो. तो अभी चलते हैं इस पर. ओके, अनडायरेक्टेड ग्राफ का तो हम लोग दे दिया है, साइकिल बताना है हम लोग को अनडायरेक्टेड ग्राफ में. ठीक है, तो आप लोग को ये ग्राफ दिया, बस बताना है इसमें साइकिल है या नहीं है. ओके, तो सिंपल चलता हूँ मैं आपको इंट्यूशन की तरफ. ऐसे यहाँ पर ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ देख सकते हैं आप 2, 3, 4 मिलके एक साइकिल बना रहा है. इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, कि हाँ कि ये साइकिल बना रहा है. तो यहाँ भी हम लोग पहले बात करते हैं DFS से कैसे करेंगे. ओके, ऐसे पिछले वीडियो में मैंने DFS से बताया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ भी मैं पहले DFS से बताता हूँ कि DFS से कैसे करूँगा इसको. ओके, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा पहले से, जब DFS करते हैं तो हम लोग एक लेते हैं विजिटेड एरे, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि अगर कोई नोड विजिटेड है तो उसको विजिटेड कर देते हैं हम लोग एरे पे. ओके, अब चलते हैं कि कैसे आइट्रेट करेंगे. तो ऑफकोर्स हम लोग आइट्रेट जब करेंगे तो यहाँ आप लोग एक कंसेप्ट सोच रहे होंगे कि मान लीजिए 2, 3 से कनेक्टेड है, 3, 4 से कनेक्टेड है और 4, 2 से कनेक्टेड है. ऑफकोर्स हम लोग जब DFS चलाएंगे, मान लीजिए हमने 1 से DFS चलाएं. ओके, तो 1 से 2 पे गए, अब 2 से रिकर्शन जाएगा कहाँ? 3 पे जाएगा. 3 से रिकर्शन जाएगा 4 पे जाएगा. और जब 4 से 2 पे आएगा तो हम लोग कौन सा कंडीशन देखेंगे जो समझ में आएगा कि साइकिल हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग तो ये पता है कि आराम से 2 से 3 आ रहा है, 3 से 4, 4 से 2 आ रहा है. तो 2 तो विजिटेड है, ये तो हम लोग को पता है आराम से 2 विजिटेड है. बट इस तरह भी तो हो सकता है ना कि 1 2 पे आया, बट 2 के तो हम लोग का जो एडजेंसी लिस्ट दिया होगा 2 के एडजेसेंट तो 1 है, 4 और 3 तीनों है एडजेसेंट. तो 2 से 1 भी तो जा सकता है, एक एडजेसेंट जो निकलेगा चाइल्ड उसका तो 1 भी निकल सकता है, तो वो भी तो पहले से विजिटेड होगा. तो आप लोग बोल देंगे साइकिल है, पैसा तो नहीं करना हम लोग को. हम लोग को 2 से 1 का चेकिंग नहीं करना है, 2 से अगले का चेकिंग करना है और वो विजिटेड होना चाहिए. समझ में आ रहे हो आप लोग? आ रहा है आप लोगों को? ऐसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप 1 से 2 पे आए. ओके, अब 2 से देखो आप 3 जगह जा सकते हो, उसका एडजेसेंट में, उसके एडजेसेंसी लिस्ट में 3 उसका डेटा होगा. क्या? एक 1 होगा, एक 4 होगा, एक 3 होगा. तो ऑफकोर्स 4, 3 वैलिड जगह जाने का, बट 1 वैलिड नहीं, क्योंकि वहीं से आया है वो. ओके, तो बस हम लोग को चेक क्या करना होगा कि 2 अगर 1 निकल गया था उसका एडजेंसी चाइल्ड अगर, और वो विजिटेड है. ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं हम लोग को क्लेम करना है कि साइकिल हो रहा है, हम लोग को चेक करना है कि उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए. मतलब 1 से 2 आया तो 2 का पेरेंट कौन हुआ? 1 हुआ. 1 से 2 में आए तो 2 का पेरेंट कौन हुआ? 1. अब 2 से हम लोग 3 में जाओ या 4 में जाओ, तो एक पॉसिबिलिटी तो होता है ना, 2 से 1 भी जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि एजेंसी लिस्ट में उसका ढुका हुआ है वो 1. तो चेक कर लेंगे कि वो अगर विजिटेड है और वो पेरेंट नहीं होना चाहिए. ओके, अगर वो पेरेंट है तो उसको स्किप कर देंगे हम लोग. ठीक है, तो ये यहाँ कहानी हो रहा है. तो मैं फिर से आपको यहाँ पर एक आइट्रेशन दिखाता हूँ. तो मैं मान लीजिए मैंने DFS चलाया, ठीक है, 1 से 2 गया मैं. ओके, 1 से 2 गया तो मैं क्या करूँगा एक बार कि 2 में बेसिकली मैं क्या करूँगा, पेरेंट स्टोर करते जाऊँगा. तो 2 का पेरेंट कौन है? 1. और इनिशियली आप 1 से लूप चलाओगे ना, मतलब DFS, तो 1 में हम लोग क्या स्टोर कर लेंगे? सिंपली 1 का पेरेंट -1 लगा देंगे. ओके, बाय डिफॉल्ट 1 का -1 लगा देंगे, कोई मीनिंग नहीं बनता उसका, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं. ओके, 2 पे आए तो 2 का पेरेंट हम लोग क्या दिए? 1. अब 2 से 1 तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पेरेंट है, कि वो चेकिंग नहीं करना हम लोगों को. अब मान लीजिए हम लोग 2 से 3 पे आते हैं. ओके, तो 2 से 3 पे आए तो 3 का पेरेंट कौन हो गया? 1. और एक बात, विजिटेड भी तो करना है हम लोगों को. 1 में जब थे तो विजिटेड हुआ 1, 2 पे आए 2 विजिटेड, 3 पे आए 3 विजिटेड हुआ, और 3 का पेरेंट में, सॉरी 1 नहीं, ये 2 होगा. ओके, क्योंकि 3 का पेरेंट 2 है ना. अब जाएंगे 3 से 4 पे DFS, तो DFS चला रहे हैं आप लोगों को पता है कैसे चलाते हैं DFS. 3 से 4 पे जा रहे हैं तो 4 को करेंगे विजिटेड, और 4 का पेरेंट कौन हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा. ओके, अब 4 से दो रास्ता बनता है, या तो 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा, बट 3 पे जाएगा तो उसका पेरेंट ही है, तो वहाँ नहीं जाना है हम लोगों को. 4 से जाएगा फिर से 2 पे जाएगा वो, तो 4 से वो 2 पे जाएगा तो आप लोग देखिएगा वो चेक करेगा क्या कि 2 ऑलरेडी विजिटेड है. ओके, तो देखिएगा वो 2 ऑलरेडी विजिटेड है. विजिटेड तो है, मैंने क्या बोला आप लोगों को चेक करना है, क्योंकि वो 4 से 3 भी तो आ सकता था और 3 भी तो विजिटेड था. तो डायरेक्टली क्लेम नहीं करना है हम लोगों की वो आपका साइकिल वहाँ हो रहा है. तो आप लोग क्या एक्स्ट्रा क्या एक चीज़ चेक करना है कि भले वो अगर विजिटेड है, और चेक करो जो वो नोड है वो उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए. हम लोग पेरेंट तो स्टोर यहाँ कर ही रहे हैं, है ही नहीं? ऐसे 4 का पेरेंट 3 तो हम लोग स्टोर कर दिए हैं,
तो फोर से जब वो टू पे जाएगा तो क्या देखेगा कि वो विजिटेड ऑलरेडी है, ऑलरेडी विजिटेड है, चेक करो क्या वो उसका पेरेंट था, तो देखेंगे क्या फोर का पेरेंट कौन है, थ्री है, मतलब वो उसका पेरेंट नहीं है। इसका मतलब सिंपल से बता समझ में आता है कि वो एक साइकिल में हम लोग का डेटा आ चुका है, मतलब टू से थ्री से गए, थ्री में गए, थ्री से फोर में गए, तो फोर से वापस टू पे गए, तो टू हम लोग का विजिटेड है और वो फोर का पेरेंट नहीं है, मतलब वो साइकिल उसका वहां पर बन गया है पूरा पूरा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे ये भी कंडीशन होता कि आप फोर से थ्री पे आते तो देखते आप थ्री विजिटेड है, चेक करो क्या ये इसका पेरेंट है, तो हाँ फोर का पेरेंट ऑफकोर्स थ्री है, तो उसको चेक नहीं करेंगे, वहां से कंटिन्यू कर देंगे, सिंपल सा बात है। ओके, तो फोर से टू पे आए, देखे विजिटेड है और पेरेंट नहीं है, मतलब यहाँ साइकिल एग्जिस्ट कर गया हम लोग का, ठीक है, सिंपल सा बात। यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपल यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न करते करते बैक 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 आते आते हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि हम लोग यहाँ साइकिल एक्सिस्ट कर रहा है इस वाले ग्राफ पे। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स फॉल्स रिटर्न करते आएंगे हम लोग और वहाँ रिटर्न कर देंगे कि यहाँ पर साइकिल नहीं एक्जिस्ट कर रहा। अब चलते हैं सिंपल से कोड के ऊपर, तो कोड पहले यहाँ DFS का दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ एक वेक्टर लिया विजिटेड, सबको फॉल्स कर दिया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा सब, फॉल्स या जीरो बोलो, जीरो से पूरा वी लूप चलाया सिंपल। इफ नॉट विजिटेड है आई, तब मैंने भेजा DFS आई से और मैंने बोला स्टार्टिंग में तो उसका ऊपर कोई है नहीं, तो वहां सिंपली माइनस वन हो जाएगा हम लोग का। ओके, एडजेसेंट और विजिटेड भेज दिया, एडजेसेंट लिस्ट मतलब एफ में चेक किया, अगर मेरा ट्रू रिटर्न होता है मतलब क्या हो, मुझे साइकिल मिल जा रहा है ऊपर फंक्शन में, रिटर्न कर दिया सिंपली से ट्रू। ओके, ये खत्म पूरा फॉर लूप वगैरह। अगर मेरे को ट्रू एक बार भी नहीं मिलता तो ऑफकोर्स यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ होगा ऑफकोर्स। ओके, यहाँ एक स्पेस होगा, फॉलो के बाद सिंपल रन कर दो फॉल्स। अब देखो ऊपर क्या होता है, DFS भेजा मैंने, ये सिंपली सा सोर्स नोड है, ये पेरेंट है उसका, और एडजेसेंट सी लिस्ट और विजिटेड एरे। तो ऑफकोर्स सिंपल सा जो DFS में करते हैं, विजिटेड को ट्रू किया हम लोगों ने, उसके एडजेसेंट में लूप चलाया, चेक किया नॉट विजिटेड है, DFS भेज दिया, बट DFS में आपका ये हो गया करेंट नोड और ये SRC हो गया उसका पेरेंट हो जाएगा। ओके, और चेक करो कि ये अगर ट्रू रिटर्न करता है, अगर ट्रू रिटर्न करता है मतलब क्या, वो आगे जाके मुझे एक साइकिल मिल जा रहा है, तो सिंपली मुझे और आगे चेक नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। अगर ये ट्रू ये फॉल्स होता है मतलब वो विजिटेड है, तो विजिटेड है तो मैंने क्या बोला, चेक करो वो उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो उसका पेरेंट नहीं है जो आपका एक्स है, ऐसे यहाँ पर था ना, फोर से हम लोग टू पे गए तो टू क्या था हम लोग का, उसका पेरेंट विजिटेड तो था, उसका पेरेंट था नहीं था ना, उसे साइकिल फॉर्म कर रहा था, तो वही चेक कर लिया हम लोगों ने, एक्स आपका पेरेंट नहीं है जो SRC का पेरेंट नहीं है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका साइकिल होता बन जाता है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, तो यहीं से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, आगे भी चेक करने नहीं जाएंगे हम लोग, फॉर लूप खत्म हुआ, मतलब क्या हुआ, करंट नोड को छोड़ के पीछे जा रहे हैं और अभी तक हम लोग को साइकिल नहीं मिला है, तो सिंपली यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम लोग, बस इतना काम करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फॉर लूप क्यों चला है, डायरेक्ट वन से चला के काम खत्म कर देते हैं, बट एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसा भी तो एग्जांपल आप लोगों को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए वन है वो कनेक्टेड है आपका टू से, टू कनेक्टेड है आपका थ्री से, और एक डिसकनेक्टेड नोड आ गया आपका फोर कनेक्टेड है फाइव से, फाइव कनेक्टेड है सिक्स से, देखिए तो ये आपका हुआ ना डिसकनेक्टेड नोड, वन टू थ्री अपना कनेक्टेड है, फोर फाइव सिक्स अपना कनेक्टेड है, जबकि इन दोनों जो डिसकनेक्टेड ग्राफ है इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वही अगर वन से लूप चला है तो वन टू थ्री जाके वो रुक जाएगा, तो फिर हम लोग चेक करेंगे इसलिए यहाँ पर कि वो नॉट विजिटेड है, इसलिए टू थ्री भी लूप नहीं चलेगा, तो जब फोर पे आया तो फोर से लेकर फाइव सिक्स तक का लूप चल जाएगा DFS, इसलिए हम लोग यहाँ लूप चलाए हैं, ठीक है, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ भी दे सकता है हम लोगों को क्वेश्चन में। ओके, बस इतना सा कहानी था, इसको करते हैं सबमिट। तो देख सकते हैं आप सोल्यूशन सही है, पूरा परफेक्ट सोल्यूशन एकदम है। ओके, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, वो आप लोगों को पता है वैसे DFS का, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक विजिट एरे ले लेते हैं। ओके, और स्टैक फ्रेम का भी लग जाता है ओ ऑफ वी, ठीक है, तो ये हो गया टाइम और स्पेस मैंने बता दिया, और इसका BFS से भी हो जाएगा, वो भी एकदम पूरा सिंपल है। क्या करना है आप लोगों को, सिंपल जो BFS लिखते हैं जो मैंने बताया पहले कोड में, वही आप लोगों को लिखना है और उसमें भी वही सेम काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पेरेंट स्टोर किया ना, यहाँ पर जो मैंने यहाँ एक्स में एक्स, ये बेसिकली DFS में जो भेजा है एक्स SRC, बेसिकली पेरेंट ना भेज रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो वहाँ आप लोगों को एक पेरेंट का एरे ले लेना होगा और पेरेंट ऑफ जो एक्स रहेगा उसमें उसका पेरेंट स्टोर करते जाना पड़ेगा। और सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि नॉट विजिटेड है तो मैं DFS भेजता हूँ, और BFS में हम लोग वही करते हैं, नॉट विजिटेड है हम लोग क्यू में ऐड करते हैं और उसको विजिटेड कर देते हैं वहाँ पर, तो वही कहानी करना है वहाँ पर, सिंपली इफ एफ का वहाँ पर एक और एक्स्ट्रा else if लगाना है और चेक करना है वही सेम चीज़ कि हमारा वो पेरेंट के बराबर अगर नहीं है तो वहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो, वरना वहाँ पूरा वाइल्ड लूप खत्म होने के बाद सिंपली बाय रिटर्न फॉल्स कर दो। एकदम पूरा सिंपल सेम पूरा है, सिर्फ BFS लिखो और वहाँ पर ये कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दो और एक पेरेंट का एक एरे ले लो वेक्टर, ठीक है, बस इतना कहानी था।
होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।